मैं दोस्तों आपके चैनल टेक्सचर में दोबारा स्वागत है। दोस्तों हम भी स्टार्ट करते हैं भाई आज का हमारा वीडियो भाई कि एक वीवो ने भाई अपना फोन टीज कर दिया अमेज़न के ऊपर, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उसका मॉडल नंबर है U10। तो दोस्तों ये U10 फोन अभी तक उसकी स्पेसिफिकेशन पता नहीं चली, पर दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो कि कन्फर्म आ सकती है क्या वीवो से हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई वीवो आजकल मिड रेंज मार्केट में बहुत अच्छी तरह काम कर रहा था। दोस्तों भाई जो इसकी स्पेसिफिकेशन निकल गया है दोस्तों वो बहुत खास तो नहीं, मतलब बहुत ठीक ठाक निकल गया था जिस टाइप से भाई ये फोन आने वाला है। दोस्तों ये फोन अंडर 11,000 और 9,000 के बीच में, 9,000 से 9,000 से 11,000 के बीच में आने वाला है। दोस्तों ये फोन आपको भाई 18 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देगा जो एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट के साथ होगा, कोई टाइप सी पोर्ट नहीं दिया जाएगा इस फोन के अंदर। और दोस्तों भाई आपको इसके अंदर दोस्तों एक फ्रंट में जो डिस्प्ले मिलेगी दोस्तों वो आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगी जो कि जिसके आप एक रियलमी 5 प्रो में देख सकते हैं, रियलमी 2 प्रो में, रियलमी U1 में, उस टाइप के आपको एक वो मिल जाएगी डिस्प्ले देखने के लिए। दोस्तों आपको भाई इसके अंदर दिखा रहा है कि भाई मतलब प्रोसेसर इतना हाई फाई नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये 9 से लेकर 11,000 के बीच में आएगा तो इतना अच्छा प्रोसेसर भी हम इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर दोस्तों जो प्रोसेसर आएगा वो अपने मतलब उस बजट में, मतलब उस बजट सेगमेंट में आपको बहुत अच्छी तरह दिखेगा। दोस्तों भाई उसकी और जो लीकेज है दोस्तों इसमें बता रखे कि आप वो यार जो कि ओप्पो वीवो की होती है कि 10 मिनट चल गई और 40 से 50 मिनट का आप मतलब बात कर लीजिए किसी से, तो भाई इसमें जो दोस्तों कैमरे होंगे दोस्तों आपको बता दूं मैं 13+5 MP कैमरा होंगे। और दोस्तों जो फ्रंट में कैमरा होगा वो 8 MP कैमरा होगा। इसके अंदर दोस्तों जो बैक कैमरा मिलेंगे जो कि भाई रियर कैमरा जो मेन सेंसर होगा दोस्तों 13 MP कैमरा होगा जो कि सोनी तरफ से होगा। दोस्तों एक 5 MP का कैमरा होगा जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए होगा जो कि आपका पोर्ट्रेट मोड जो कि बॉकी इफेक्ट के लिए होगा। दोस्तों जो फ्रंट में कैमरा जो कि आपके लिए सेल्फी कैमरा जो कि वीवो ओप्पो का मेन फोकस होता है दोस्तों वो आपको 8 MP कैमरा देगा जिससे आप 8 MP आपको कैमरा देगा विदाउट LED फ्लैश का। और दोस्तों जो बैटरी दी जाएगी दोस्तों आपको 3500 mAh की बैटरी मिल जाएगी इसके अंदर, ज्यादा कोई बड़ी बैटरी नहीं मिलेगी या 4000 तो मिलने कम चांस पर 3500 mAh की बैटरी कंफर्म मिलेगी। और दोस्तों आप इस तरह दोस्तों जो डिस्प्ले मिलेगा वो आपको एक फुल HD डिस्प्ले नहीं मिलेगा, आपको पहले कंफर्म कर दो कभी आप ये सोचेंगे आपको फुल HD डिस्प्ले मिलेगा क्योंकि सुपर एमोलेड सब कुछ ऐसा कुछ मिलेगा, आपको एक IPS डिस्प्ले मिलेगा HD+ रेजोल्यूशन के साथ। और दोस्तों भाई आपको बता दें दोस्तों इसके अंदर एक डेडिकेटेड माइक्रो अपना तीनों एक साथ लगा सकते हैं जो कि माइक्रो डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, दोस्तों मैं नाम बोल गया था, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट जिसमें आप 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड एक साथ लगा सकते हैं। और दोस्तों ये एक बहुत अच्छी तरह हो गया मिड रेंज फोन में, ये ऐसा बजट फोन चल रहा है। और भाई इसके अंदर आपको एक मेटल फिनिश नहीं मिलेगा, आपको इसके अंदर एक नॉर्मली फिनिश देखने मिलेगा जो कि आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, मेटल कोई जरूरी है हमें पॉलीकार्बोनेट जो शाइनिंग के लिए देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आपको इसके अंदर मिलेगा आपको फ्रंट टच OS जो कि वीवो का OS होगा और इसमें भाई होता है मतलब एक तो बात है कि भाई फ्रंट टच OS इसके अंदर मिलेगा तो भाई इससे ज्यादा तो उस फोन कुछ नहीं है। दोस्तों इसमें जो हाइबर बूस्ट गेम के लिए जो कि वीवो की तरफ से होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा इस फोन के अंदर। और दोस्तों ये फोन लॉन्च होगा मैं आपको बता देता हूँ 24 तारीख को लॉन्च होगा या अभी 24 आएगी इसको लॉन्च होगा। दोस्तों अब ये अमेजोन पे मिलेगा स्पेशल है और भाई आप एक वीवो के जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर से या कोई वीवो के ऑफिशियल स्टोर पे आप अवेलेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ फोन था। दोस्तों आप किसके अंदर एक हेडफोन जैक आपको सब कुछ देखने मिल जाएगा, फोन ठीक ठाक है हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ चलो ठीक फोन है। तो दोस्तों बस इतने भी वीडियो में कुछ रहेगा मैं बताना चाहूँ आपको कमेंट सेक्शन में आपके सब कुछ इशू सॉल्व कर दूंगा। तो और कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हैं इस फोन के बारे में। और भाई बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की गई है इसकी देख लीजिए आप, ये बहुत ठीक है। दोस्तों इसके अंदर प्रोसेसर भी आपको स्नैपड्रैगन मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आपको मैं बता दूँ मैं भूलने वाला था, आपको स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर मिलेगा दोस्तों जितना कन्फर्म है, 665 नहीं मिल सकता 660 मिलेगा। दोस्तों जो फिंगरप्रिंट सेंसर होगा वो बैक साइड में देखने को मिल जाएगा जो रियर जो पहले जो आते थे सेंसर अब इन डिस्प्ले सेंसर देखने को नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों बस इतना ही था वीडियो, तो आपसे कॉल मिलती है। बाय, टेक केयर।